करते हुए बहुत अच्छे फ्लाइंग किक का इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंट लिया अपनी टीम के लिए। सालू ने चचूरा का खाता खोला और अब जीतू रेड करते हुए गुनपुरा की तरफ से। यह श्री अद्भुत नागा बाबा कबड्डी टूर्नामेंट का वर्ष 2023 का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। बहुत अच्छे पकड़ हुई गुनपुरा के रेडर की। सालू एक बार फिर से रेड करते हुए अपनी टीम के लिए। चचूला जो पिछले वर्ष की विजेता है इस टूर्नामेंट की, इस मुकाबले को जीतकर वो फिर से अपना खिताब दोहराना चाहेंगे और गुनपुरा चाहेगी कि चचूला के सफर को यहीं पर समाप्त किया जाए। दोनों की टीमों में जद्दोजहद। गौतम बुद्ध नगर की दोनों ही बेहतरीन टीमें रेड कर रही है। विक्की अरे बैठ जाओ भैया, भाई साहब कहा बैठ जाए पूछ रहे हो यार, यहाँ जा कुर्सी बैठ जा यार। ये सर एक बार फिर से टीम के लिए बेटा टैकल करने का प्रयास किया गया नंबर 3 प्लेयर के द्वारा, लेकिन विक्की ने बहुत सहजता के साथ एक अंक लिया अपनी टीम के लिए। गुनपुरा 2 और चचूला। डेविड पारासर, डेविड पारासर का बहुत बहुत धन्यवाद करती है श्री अद्भुत नागा बाबा कबड्डी टूर्नामेंट कमेटी। डेविड पारासर ने शुरुआत से लेकर समापन की ओर टूर्नामेंट है, लेकिन पानी कम नहीं होने दिया कैंप पर्स में। बहुत अच्छा खेल अंक लिया विक्की ने अपनी टीम गुनपुरा के लिए। गुनपुरा के अंक बढ़कर हुए 3। मैच फिर से शुरू। सालू रेड पर, ये इस विशाल कबड्डी टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल है। इस मैच की विजेता अभिषेक मैना के साथ खिताबी मुकाबला खेलेगी। एक और अंक लिया सालू ने। जिससे पॉइंट हो वो तुरंत उंगली उठाकर भैया बता दें, ताकि रेफरी महोदय को ज्यादा मेहनत और मशक्कत ना करनी पड़े। विक्की रेड करते हुए अपनी टीम के लिए अच्छे अंक निकाला विक्की ने अपनी टीम के लिए। गुनपुरा 4, चचूला 5। ऐसे करते रहे विक्की, यहीं मार यहीं बस। बहुत अच्छे बहुत अच्छी पकड़ की गई गुनपुरा के डिफेंस के द्वारा। सालू चावल की पहली कैच हुई। अब दोनों ही टीमों के अंक बिल्कुल समान 5-5। विक्की एक बार फिर से रेड पर। अरे भैया ताकत पर खड़े हो, आराम से खड़े हो जाओ, ट्रॉफीज रखी है वाक्यों।
रोहित नागर रोहित नागर चचूला रेड करते हुए अपनी टीम के लिए चचूला दोनों टीमों के अंक बिल्कुल समान छह बिक्की एक बार फिर से रेड पर इस बार पकड़े हैं बिक्की पप्पू ने शानदार एंकल होल्ड किया मैच हो गई रोहित नागर एक बार फिर से रेड पर रोहित नागर रेड करते हुए गुनपुरा के लिए और अंक निकाला रोहित नागर ने अपनी टीम गुनपुरा के लिए आवाज आ रही है मैं शोर में कर रहा हूँ बहुत अच्छा बहुत ही शानदार तरीके से अंक निकाल रहा है इस बार चचूला के रोहित नागर दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल दिखा रही हैं रोकने का प्रयास किया चचूला के डिफेंस ने रोहित नागर गुजरा को लेकिन रोक नहीं सके मात्र एक अंक का अंतर है दोनों ही टीमों के मध्य चचूला के अंक है 9 और गुनपुरा 8 अंकों के साथ खेल रही है बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच इससे पहले बहुत अच्छी इससे पहले हुए सेमीफाइनल में अभिषेक मेहरा ने सन्नी जाड़व की टीम को परास्त कर फाइनल में जगह बनाई इस मैच की विजेता अभिषेक मेहरा के साथ खिताबी मुकाबला खेलेगी और आने वाली टीम होगी इसका मुकाबला स्थान के लिए सन्नी जाड़व के साथ होगा पहले भी आना एक बुलंद पीछे मार रही सब लगी नहीं बहुत अच्छा गांव के लोग हार जाएगी थोड़ी सेरा चुपड़े जांग पे भाई साहब मीडिया कर्मी हो जिसमें आप लोग खड़े हो वो टूटा पड़ा है बजा रहा हूँ कैसे मारे कैसे ले हट जाओ भैया बहुत अच्छे इस बार पकड़ हुए रोहित नागर गुनपुरा की
और अंत मिला चचूरा की टीम को। चचूरा के अंक बढ़कर हुई 12 और गुरपुरा 11। सेमीफाइनल का शानदार मुकाबला चल रहा है। खिताब की दूरी को कदम बढ़ाने के लिए दोनों ही टीमें खेल दिखा रही है। गुणपुरा की तरफ से रेड कर रहे हैं विक्की मैन। बेटा जवाब निकाला विक्की ने अपनी टीम के लिए। अंक बढ़कर हुई गुणपुरा के 12। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार खेल चल रहा है। ना 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 अंडो ओए पीछे स्टैंड अप पीछे ना 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 बहुत दूर है, बहुत दूर है अभी। रेड ओली अंडो ना 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 बहुत दूर है। ये चंदा चंदा रे कैसे गो बम एक बार फिर से देखता है। दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी टीमें हैं, टक्कर की टीमें हैं। बेटा बेटी शेर फिर से अंक पहले भी झंडी में मार मारो। गुरपुरा के अंक बढ़कर हुए सर के साथ 13 और चचूला 14 अंकों के साथ खेल रही है। चचूला पिछले वर्ष की विजेता टीम है इस विशाल कबड्डी टूर्नामेंट की और फिर से खिताबी जीत को दोहराना चाह रही है। बेहतरीन रेड का प्रदर्शन करते हुए रोहित नायक चचूला अंक लिया। रोहित ने तो बढ़िया अभिषेक भाई। अब विक्की एक बार फिर से रेड करते हुए गुरपुरा के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया पप्पी चचूला ने और पकड़ गई विक्की। स्कोर है चचूला 16 और गुरपुरा 13। तीन अंकों की बढ़त चचूला के पास है। सालू चावल रेड करते हुए चचूला के लिए। बहुत ही बेहतरीन कमल का प्रदर्शन करते हुए चचूला के खिलाड़ी। फर्स्ट हाफ का गेम समाप्त। फर्स्ट हाफ के गेम की समाप्ति पर